नमस्कार दोस्तों, मैं राम कैलाश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम आप लोगों को दिखाऊंगा विशालकाय भैंसा। इसका दोस्तों मैंने पार्ट वन बनाया था जो कि काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने लाइक किया और कमेंट किया, तो उसी के दोस्तों ये पार्ट टू है। हम जो है दोस्तों बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही काफ़ी विशालकाय भैंसा है, भारी भरकम भैंसा है, जो कि दोस्तों आप देख पाएंगे फसल को खाता है, गेहूँ खाता है, धान को भी खा लेता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि इसे मारे पीटे। बहुत ही जो है काफ़ी इसको सुविधाजनक तरीके से रखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आप देख पाएंगे काफ़ी जो है भारी भरकम भैंसा है, जो कि ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। सभी के गाँव में इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता है, और आपके वहाँ भी अगर है ऐसा तो ज़रूर दिखाएं। ऐसा दोस्तों अगर आप पाल पोस कर घर पर तैयार करेंगे तो इतना विशालकाय नहीं होगा, क्योंकि जितना इसे सुविधा मिल जाता है खाने के लिए, फल लगा हुआ यानी फूटा हुआ धान को भी खाता है, मटर खाता है, गेहूँ खाता है, हरा चारा खाता है, और चरी हो गया, बरसेम हो गया, सब कुछ खाता है, लेकिन अपने इच्छा अनुसार खाता है, जो उसको इच्छा होती है वो खाता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने पशुओं को छोड़ कर चराते हैं यानी छूटा छोड़ देते हैं, गले में अगर रस्सी नहीं लगाया जाता है तो उनकी सेहत बहुत सुधरती है, जो कि काफ़ी जो है भारी भरकम होते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी एजेड भी हो चुका है, अगर एक अंदाज लगाया जाए तो इसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष हो गई है, और गाँव वालों का कहना है, कोई फिक्स नहीं, एक अंदाज लगाया गया था कि 15 से 16 वर्ष इसकी उम्र हो गई होगी। तो दोस्तों जो कि काफ़ी भारी भरकम है, और भैंस पालन यहाँ बहुत जो है काफ़ी मात्रा में है, यानी कि भैंस का गढ़ मान लीजिए, हर पशुपालक हर किसान के घर में आपको लगभग 5 से 6 भैंस, 7 भैंस, 4 भैंस, 5 भैंस ऐसे जो है दिखाई देंगे, गाभिन है, दूध दे रही हैं, हमेशा उन लोगों के घर में लगना होता है, यानी कि दुधारू पशु रहते हैं, जिससे वो लोग दूध का व्यापार करते हैं और खोआ बनाते हैं, कोई डेयरी में देते हैं। तो एक भैंसा रखना ज़रूरी, इसलिए उन लोगों को मानना है कि अपने गांव में भैंसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भैंस हीट में आती है तो भैंसा घूमता रहता है, जो भी हीट में आई वो गाभिन कराने के लिए इससे क्रॉस कराया जाता है, तो पूरे गाँव में घूमता रहता है, सभी भैंसों के पास जाता है, जिससे क्या है कि उन लोगों को सीमन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसी भैंस से जो है क्रास हो जाती हैं और वो गाभिन भी हो जाती हैं। तो दोस्तों हमारा यही एक मकसद है इस वीडियो बनाने का कि आप लोग भी अगर पशुपालक हैं, भैंस पालन किए हैं, तो अपने भी गांव को एकत्रित करके इसी तरह जो है आप भी भैंसों को छोड़ सकते हैं, जो कि भैंस उससे गाभिन हो सके। दोस्तों हमें उम्मीद है आप समझ में आ गया।